बांका जिला में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यह 72वां गणतंत्र दिवस है। बांका पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी गण के बीच 72वां गणतंत्र दिवस बांका के आरएमके मैदान सवर्णालय पुलिस लाइन में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आपको वह दृश्य दिखाना चाहते हैं जो बांका प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग को एक अलग पहचान देती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी अपने अनुशासन का पालन कर परेड में लगे हुए हैं। हालांकि कोरोना काल की अंतिम घड़ी चल रही है, इस कारण से सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज के दिन हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा यह संविधान सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हो गया और पूरे देश में लागू हो गया। आज के दिन आते ही हमें वीर सपूतों के चेहरे नज़र आने लगते हैं, जैसे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू इन वीरताओं में शामिल थे। आज के दिन झंडोत्तोलन में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक बांका, जिलाधिकारी बांका, डीडीसी बांका एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आइए इन झलकियों को देखते हैं। परेड पर उपस्थित हमारे जवान, मीडिया के साथियों, पुलिस परिवार के सभी सदस्यगण, बच्चे, आज मैं इस पावन अवसर पर आप सभी का इस परेड मैदान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं गणतंत्र हमने पूरे विश्व को दिया है। मैं नमन करता हूं देश को संविधान देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का। मैं नमन करता हूं अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मैं नमन करता हूं उन सभी विभूतियों का जिनके बूते पर आज हम यहाँ स्वतंत्रता और गणतंत्र का लाभ उठा रहे हैं।